राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार आजादी का अमृत महोत्सव इंडिया फॉर टाइगर्स रैली ऑन व्हील्स कार्यक्रम का आयोजन 4 अक्टूबर सोमवार सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद के बायसन लॉज पचमढ़ी में किया गया। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, क्षेत्र संचालक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद एल कृष्णमूर्ति द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली बायसन लॉज से प्रारंभ होकर पचमढ़ी नगर से होते हुए आंबा माई पर समाप्त होगी। क्षेत्र संचालक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद द्वारा बताया गया कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम अंतर्गत आम जन मानस में बाघ संरक्षण हेतु जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से इंडिया फॉर टाइगर्स रैली ऑन व्हील्स कार्यक्रम देश के 18 राज्यों में 51 टाइगर रिजर्व में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें NTCA फ्लैग द्वारा रैली के माध्यम से 7500 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। इसमें मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर फ्लैग को रवाना कर रैली प्रारंभ की गई, जो संजय टाइगर रिजर्व पन्ना टाइगर रिजर्व होते हुए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंची, जहां पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारियों द्वारा NTCA फ्लैग आज सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सौंपा गया, जिसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अधिकारियों द्वारा पेंच टाइगर रिजर्व को सौंपा जाएगा एवं अंत में कान्हा टाइगर रिजर्व में 1131 किलोमीटर की दूरी तय करने के उपरांत रैली का समापन होगा। कार्यक्रम में भारतीय सेना के पचमढ़ी स्थित सेना की म्यूजिक बैंड ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, क्षेत्र संचालक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व होशंगाबाद एल कृष्णमूर्ति, OS मर्सकोले, सहायक संचालक STR पिपरिया, संदेश महेश्वरी, सहायक संचालक STR सुहागपुर, VB सिंह, सहायक संचालक STR पचमढ़ी, नकवी रीजनल मैनेजर मध्य प्रदेश पर्यटन पचमढ़ी, SAR के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण, पचमढ़ी नगर के जनप्रतिनिधि एवं होटल संचालक, टैक्सी संचालक, गाइड्स के साथ गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज सर जो रैली निकाल गई उसका उद्देश्य क्या था और कहां से आ रही थी, कहां समापन होगा इसका? जी, आज की जो कार्यक्रम हुआ है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा जो रैली फॉर टाइगर्स करके एक प्रोग्राम है, उसके तहत जो वाहनों की रैली के माध्यम से आम जनता सभी नागरिकों को टाइगर कंजर्वेशन के संबंध में जागरूक करना है, ये प्रमुख उद्देश्य है इस रैली का। ये रैली हमको पन्ना टाइगर रिजर्व से आए हैं, वो वहाँ से जो फ्लैग ले आया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का फ्लैग, वो हमको हैंड ओवर किया, हम यहाँ से ले जाके पिंच टाइगर रिजर्व में देंगे। इस दौरान रास्ते पर सारा जहाँ जहाँ जो हमारा वन मंडल है वहाँ पर जागरूकता कार्यक्रम होगा स्कूलों में, फिर पब्लिकों के बीच में, फिर शाम तक हम लोग पिंच में जाके इसको हैंड ओवर करेंगे। कब तक चलेगी सर यह रैली? ये रैली है पूरा देश में 2 तारीख को चालू हुआ है, ये 8 तारीख को समापन होगा। समापन मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व में होगी। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट तरफ जाएगी सर, वहाँ पर रैली? ये हमारा जो रैली है जो यहाँ से पचमढ़ी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का पार्ट है, सो यहाँ से हम लोग रैली यहाँ से कर्माजरी तक जाएंगे। हम लोग कर्माजरी जाके वहाँ का फील्ड डायरेक्टर को हम ये जो फ्लैग है ये हैंड ओवर कर देंगे। कौन कौन शामिल हुए आज मुख्य रूप से कार्यक्रम में? कार्यक्रम में जैसे आपने यहाँ देखा कि यहाँ पर कलेक्टर होशंगाबाद, बाकी यहाँ के स्थानीय सभी लोग जैसे होटल से, फिर हमारा गाइड्स है, हमारा जो जिप्सी एसोसिएशन के लोग हैं। आपको संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का मेरा यही संदेश है कि सभी लोग जो बाघ संरक्षण में सहयोग दें, इस मतलब जो अपने स्तर से जो भी संभव हो वो हमारा संरक्षण में मदद करें, टाइगर संरक्षण में जागरूकता करने में मदद करें, इस पार्क को आगे ले जाने में हमको सहयोग की आवश्यकता है।